हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है, ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, भले ही अटैक ना हो लेकिन हर किस्म से, आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो देखिए पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहाँ तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुँह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है, भारत के अंदर वह कुवत है, ताकत है, यह हमने सिद्ध कर दिया है। आप क्रॉस बॉर्डर के लिए कह रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जो मैंने मुझे कहना था वो कह दिया मैंने। रक्षा मंत्री जी, एक तरफ होता है कन्वेंशनल वॉर, एक तरफ होता है साइबर, एक तरफ होता है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में कई किस्म के टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जी, और चाइना जो है अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाया कि कैसे हाइब्रिड वॉर उनके खिलाफ चाइना ने किया था, मतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन पार्टी है, पार्टी के लोग जो हैं वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं और वो अंदर से पार्टी का काम यानी चाइना का काम करते हैं दूसरे मुल्कों में बैठकर। और क्या वो हमारे यहाँ भी हो रहा है? हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने कुछ ऐप्स बैन किए हैं, पर इसके आगे भी कुछ है आपके पास, कुछ ऐसी इंटेल तो आई होगी जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने देश को बचाने के लिए अथवा इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो अपनी व्यवस्था रखती हैं। भारत तो अब कोई कमजोर देश नहीं है, भारत ताकतवर देश है, भारत को भी इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब भारत कर रहा है। मैं दुनिया के अन्य किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता कि वो कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के साथ कर रहा है, कौन किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, इन सब सारे चैलेंजेस के खिलाफ जो कुछ भी करना चाहिए भारत तो कर रहा है, और आगे और जरूरत पड़ेगी तो भारत और करेगा। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत अरसे से लोग कहते हैं, मैंने आपका सवाल बहुत ही ठीक था, इसमें कहीं दो राय नहीं, कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, कि इंडिया समझता है कि वो शांति चाहता है इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं, पाकिस्तान के अलावा और कोई करेगा नहीं, ये सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये सही है या आप समझते हैं कि ये गलत फहमी है? नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब, साफ तो हम हैं लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें, ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। सर, क्योंकि इस किस्म के वॉर में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता, इसलिए मालूम है इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल है, और पहचान करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन क्या हम में क्षमता है उसे पहचानने की और ये जानने की और समझने की कि हमारे खिलाफ ऐसे वॉरफेयर शुरू हो चुका है? मुझे लगता है बहुत पुराने भारत की आप बात कर रहे हैं जी। अब इन सब सारी चैलेंजेस का भी मुकाबला करने की तैयारी भारत की है, और भारत अपनी ताकत को और भी साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे
चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अधिक ताकत बढ़ा रहा है भी हमारी ताकत इसमें, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था, इसे इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है, ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी आरएसएस बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर, ये सही है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं चाहे पिछली सरकारें रही हूँ, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? किसी को नहीं, किसी क्यों को आप नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो तो सारे देश को, सारे भेदभावों को भूल कर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो और एंशियंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है, भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है, हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। जहां आप कहते हैं कि देयर शुड बी यूनानिमिटी सभी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि बीजेपी जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतनी उलझन में पड़ गई थी, चाहे सीए हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक का हो, इंडिया वाज इन अ स्टेट ऑफ बबल, और उसमें उन्होंने, चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है? तो इसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और इस देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया, या तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सही किया? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के बाद चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस संयम के साथ, जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत कभी परेशान नहीं रहा इधर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है, इन 6.5 वर्षों में किसी चैलेंजेस को लेकर परेशान हुए हों इस स्थिति में, न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है, न उनकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार को पाया है, कभी हम लोगों ने किसी।